और इस बीच गुरुग्राम से बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है, रूबरू करा दें आपको। गुरुग्राम से बड़ी जानकारी, पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। ठग गिरोह के 4 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कार चालकों को दरअसल निशाना बनाया जाता था, झांसा देकर चोरी की वारदात को ये ठग, शातिर ठग, अंजाम दिया करते थे। कोरियर से कर्नाटका भेजते थे चोरी का सामान। सोने के गहनों समेत 1200 रुपए की नकदी भी बरामद की गई है इन शातिर ठगों से। पिछले कुछ दिन से एक इस तरह का गिरोह सक्रिय था हमारे यहाँ, जो लोगों की गाड़ियों के पास सिक्के गिरा देते थे और ड्राइवर को कहते थे कि भाई तुम्हारे पैसे गिर गए, उसका ध्यान उधर लगा के भटका के, और उसके जो गाड़ी में बैग वगैरह होते थे उनको उठा लेते थे। ये हमने 4 आदमी, हमारी क्राइम टीम सेक्टर 17 के इंचार्ज इंस्पेक्टर नरेंद्र चौहान के नेतृत्व में काम करते हुए उन्होंने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। ये कुछ तो बिल्कुल बड़ी कामयाबी पुलिस ने हासिल की है। गुरुग्राम से बिजेंद्र हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी बातचीत के लिए जुड़ गए हैं। बिजेंद्र, गुरुग्राम पुलिस को यह बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, ठग गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, क्या है पूरा मामला विस्तार से बताएं। आप देखिए, जिस तरह से लगातार गुरुग्राम में इस तरह के मामले सामने आ रहे थे कि एक जो ठगता गैंग थी वो काफी सक्रिय थी और लोगों को बरगलाकर और लोगों को झांसा देकर उनकी गाड़ी के, या तो शीशे से अगर गाड़ी सुनसान जगह खड़ी है तो उनके शीशे तोड़ दिया करते थे, लैपटॉप या अन्य जो कीमती सामान था उसको चुरा लिया करते थे, या फिर किसी तरह से जो ड्राइवर होता था उसको झांसा देते थे, या कि इस तरह से कि आपके पैसे गिर गए हैं, इस तरह से उनको बरगलाते थे और कीमती सामान चोरी करते थे। गुरुग्राम पुलिस को लगातार इस तरह की शिकायत मिल रही थी, उसके बाद क्राइम ब्रांच को यह मामला सौंपा गया। सेक्टर 17 क्राइम ब्रांच की टीम ने बड़ी मुस्तैदी के साथ ये जो 4 सदस्य पकड़े हैं, ये ठगता गिरोह है जिनके सदस्य बताए जा रहे हैं और अन्य सदस्य भी हो सकते हैं, उनकी भी पुलिस उन रेडार पर है, वो लोग भी, उनको भी पुलिस जल्द गिरफ्तार करेगी। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि पुलिस ने कुछ कीमती सामान, कुछ ज्वेलरी, कंगन और पैसे भी बरामद किए। साथ ही साथ इनका जो तरीका था चोरी करने के बाद सामान को, ये कर्नाटक या अन्य राज्यों में कैसे भेजते थे, या तो ये उसका कोरियर करते थे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि चोरी करने के लिए ट्रेन का और बाय एयर भी आते थे, तो कहीं ना कहीं ये काफी शातिर चोर थे, अंदर अंतर्राज्यीय ठग थे और इसको गिरफ्तार किया है। बड़ी कामयाबी गुरुग्राम पुलिस को हाथ लगी है और ऐसे में लगातार पूछताछ की जा रही है और रिमांड भी इनका लिया जाएगा। उसके बाद और भी जो गिरोह के सदस्य हैं उन पर भी अंकुश लग सकेगा। जी, साफ तौर पर बिजेंद्र, जिस तरह से गिरोह के 4 सदस्यों को अभी गिरफ्तार किया गया है, क्या जानकारी हासिल हो पाई है कहां के रहने वाले हैं चारों सदस्य, और जिस तरह से कर्नाटक भेजा जाया करता था चोरी का सामान, ऐसे में कई राज्यों में कहीं ना कहीं इन शातिर ठगों का जाल बिछा हुआ है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ये चारों में से एक पश्चिम बंगाल का है जो गिरफ्तार किया युवक, और 3 कर्नाटक के आरोपी बताए जा रहे हैं, तो टोटल 4 गिरफ्तार किए गए हैं। और ये इसी तरह की इनकी जो रणनीति थी वो इसी तरह से गाड़ियों के शीशे तोड़कर या ड्राइवर को बरगलाकर उनका सामान चोरी किया करते थे, कीमती सामान को गाड़ियों से चुरा लिया करते थे और उसको कोरियर के थ्रू दूसरे राज्यों में भेजा करते थे। कहां इनके तार थे, किन लोगों को बेचा करते थे, ये जांच का विषय है और पुलिस इस कड़ी तक भी पहुंचेगी, परत के बाद परत उठाएगी। फिलहाल तो इन चारों सदस्यों को गिरफ्तार कर इनका रिमांड लिया जा रहा है और इनसे पूछताछ की जा रही है, और भी जो खुलासे हैं वो हो सकते हैं, और भी जो ग्रुप के इनके सदस्य हैं उनके तार मिल सकते हैं। जी बिल्कुल बिजेंद्र, और भी खुलासे और गिरफ्तारियां जरूर इस मामले में हो सकती हैं आने वाले समय में। शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए, जानकारी के लिए।